नवरात्रि की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं नवरात्रि का पवित्र त्योहार किस तरह मनाना चाहिए? आज हमारे साथ में है वरिष्ठ समाज सेवी एवं पंडित श्रीकांत जी अवस्थी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि माता रानी की पूजा किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि ये काफी अनुभवी है और इनके मार्गदर्शन में वास्तव में माता रानी की हमने पूजा की तो हमें निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। सर, हेडलाइन 24 में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को नवरात्र की इस पावन पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी को अनंत शुभकामनाएं। और या देवी सर्वभूते सर्व रूपेण संस्था नमत्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे जीवन में शक्ति का बहुत ही अहम भूमिका है। वो चाहे वो माँ के रूप में हो या बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, हमारे जीवन में उनके बिना हम अधूरे हैं। आज शैलपुत्री प्रथम दिन है, 26 सितंबर माँ का आगमन हो रहा है हमारे तिरुपति अभिनव होम्स में। और हम लोग पिछले कई वर्षों से माता रानी का इसी प्रकार से आयोजन करते रहते हैं और जीवन में इस प्रकार से खुशियां, हम लोग एक दूसरे की खुशियां बांटें। कहते हैं कि हमें जीवन में प्रेम लोगों को बांटना चाहिए और करुणा सभी के लिए होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारी जगत जननी माँ हमारे तिरुपति अभिनव परिवार के ऊपर अपनी करुणा बरसाती रहती हैं और हमारे अभिनव होम के सभी जो निवासी हैं ये बहुत खुशी से तन मन धन से ये इस प्रकार से ये त्यौहार मनाते रहते हैं, चाहे वो दीपावली हो, होली हो, या नवरात्र हो, या आगे आने वाला दशहरा हो। और सर्दी जो अपनी जो भगवान का जो शरद पूर्णिमा होती है उसमें भी खीर वगैरह बांटी जाती है, इस प्रकार से आयोजन करते हैं। और हम चाहेंगे कि सभी समाज में सभी लोग मिलजुल करके इस प्रकार से एक त्यौहार मनाएं, जिससे कि हम लोग एक दूसरे को समझ सकें, मिल सकें। और कहते हैं कि माँ जगत जननी आज के दिन से शरद पूर्णिमा शरद का आगमन होता है, शरद ऋतु का आगमन होता है। और माता रानी ने शुंभ निशुंभ का भी वध किया था और वध करने के बाद भगवान शिव को और माता रानी की आवश्यकता पड़ी थी, उन्होंने आह्वान किया था और उन्होंने इस प्रकार से राक्षसों का विनाश किया था। और राम जब वनवास में थे और सीता जी लंका में थी तो वहाँ पर भी भगवान राम और शिव जी को शक्ति के द्वारा उनको आह्वान किया। और इस प्रकार से रावण एक ब्राह्मण था, बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन उसके जो अंदर पाप थे, जो उसकी राक्षस प्रवृत्ति थी, उसका अंत करने के लिए माँ शक्ति का आह्वान किया और उन्होंने रावण का भी अंत किया। और इसमें हमारे अंजनी पुत्र हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान था। और इस प्रकार से हम लोग ये 8-9 दिन जो है नवरात्रि में माता रानी का उत्सव मनाते हैं और गरबा महारास लीला भी करते हैं। हमारे यहाँ महारास लीला का बहुत अच्छा आयोजन है, जो विगत 30 तारीख और 1 तारीख को है, उसमें महारास लीला सभी अब मन मुग्ध होकर के अपने तन मन मतलब धन से हर प्रकार से नृत्य करेंगे, उत्साह मनाएंगे। ऐसे यहाँ पे आयोजन इस प्रकार से होता है। बच्चों का भी बहुत अच्छा आयोजन होता है, जो कला के क्षेत्र में या कोई उनको बहुत बड़ी जो है उनको कोई नृत्य के रूप में, ड्राइंग के रूप में इस प्रकार से आयोजन करते हैं हमारे निवासी। बाकी हम सभी को फिर से एक बार नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मैं राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत अवस्थी, मानव अधिकार सुरक्षा आरक्षण एवं तृप्ति अपने परिवार का एक सदस्य हूँ। आगे के आयोजन की जो है रूपरेखा हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सक्सेना जी, ये हमारे बहुत ही अच्छे समाज सेवी हैं और इस कैंपस के ये एक इनको कहा जाए कि एक शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए। बाकी इस आयोजन की जो है बाकी की रूपरेखा हमारे वीरेंद्र सक्सेना जी बताएंगे, अवगत कराएंगे आप लोगों को। धन्यवाद जी। नमस्कार। और न्यूज़ 24 का हम आभारी हैं कि वो यहाँ तिरुपति अभिनव परिवार में पधारे और यहाँ की जानकारी जो है आसपास भी सब लोगों तक पहुँचे।
तो अभी कुछ दिनों के पहले हम लोग जो है गणेश भगवान की पूजा से निपटे हैं, वहाँ पे थोड़ा हर्षोल्लास वगैरह ये सब होता है, और अब हम जो त्यौहार मना रहे हैं वो मना रहे हैं सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार सादी के शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये त्यौहार थोड़ा सा अलग हो जाता है। दरअसल ये त्यौहार है साधना का, उपासना का, संयम का, प्रार्थना का, शक्ति का, ध्यान का। तो तिरुपति अभिनव होम्स में 2018 से जो है माता रानी विराजती हैं हर साल यहाँ पर, और ये लगभग हमारा 5वां वर्ष है। कोरोना में भी कुछ गाइडलाइन के साथ ही त्यौहार मनाए गए, पर पिछले साल से जब से गाइडलाइन खुली हैं तो बड़े हर्षोल्लास लोगों में हमेशा ज़्यादा दुगुना तिगुना है। और यहाँ पर सारे कार्यक्रम जो माता रानी के 9 दिन के कार्यक्रम होते हैं बड़े ही संयम के साथ, बड़े ही अनुशासन के साथ कार्यक्रम किए जाते हैं। बहुत ही समिति बना के कार्यों को विभाजित किया हुआ है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे बहुत अच्छा हर कार्यक्रम का जो संचालन है वो बड़ा सुचारू रूप से हो सके। एक सांस्कृतिक समिति है जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखती है, भंडारा और पंडाल की समिति है जिसमें मोहन राव साहब हैं यहाँ पर, वो सारा कार्यक्रम यहाँ पे उनके मार्गदर्शन में होता है। फिर इसके अलावा एक पूजा समिति है जो सिर्फ पूजा का ही कार्य देखती है, ताकि ये है कि जो भी कार्यक्रम हो वो संपूर्ण और पूर्ण हो, क्योंकि माता रानी संपूर्ण है, पूर्ण है, है ना। ऐसा कहा जाता है कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। जब भी विपत्ति किसी पे आती है तो एवं देवी देवता महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश सभी उन्हीं के शरण में जाते हैं। तो ऐसी पूर्ण देवी के, ऐसे पूरे महागौरी के जो उत्सव है वो पूर्णता के साथ मनाया जाए तो बहुत ही अच्छा सबका सहयोग आता है, तन से, मन से, धन से। लगभग यहाँ पे 600-700 मकान हैं, अलग अलग ब्लॉक हैं ABCDE, लेकिन माता रानी की बड़ी कृपा है कि यहाँ पर पूरी कॉलोनी में एक ही जगह गणेश जी होते हैं, एक ही जगह माता रानी का प्रोग्राम होता है, एक ही जगह 15 अगस्त होता है, एक ही जगह 26 जनवरी होता है, एक ही जगह होली मनती है, एक ही जगह शरद पूर्णिमा होता है। तो ये सब आशीर्वाद कहाँ से आ रहा है? ये माता रानी से ही आशीर्वाद आ रहा है कि इतनी बड़ी विशाल कॉलोनी होने के बावजूद भी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि विचारों में जो है मतभेद हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लोगों को मनभेद नहीं है। सब बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखते हैं, उनको सुना जाता है, आने वाले टाइम पे उनको अमल किया जाता है। तो ये निश्चित रूप से गंगेश्वर महादेव का और माता गौरी का आशीर्वाद है इस कॉलोनी में, और हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आगे सब इसी तरह से आशीर्वाद बना रहे, ये सारे कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहें। अब क्योंकि सांस्कृतिक समिति जो है वो बहुत अच्छा यहाँ पे कार्य कर रही है, तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए रैंप वॉक है, जो उसके अलावा डांस की प्रतियोगिताएं हैं, 3 दिन तक गरबा है, 1 दिन गरबा ओपन सभी के लिए रखा गया है, ताकि जो लोग समय नहीं दे पा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो उनके लिए भी ताकि समय रहे। तो संडे का दिन विशेषकर पूरे कॉलोनी में उन्हीं के लिए रखा गया है। और यहाँ पे TV आर्टिस्ट जो हैं गुनगुन मैडम और उनके जो है हस्बैंड है अरविंद जी, वो यहाँ पर पिछले 14-15 दिन से गरबे की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। पहली बार कोई आर्टिस्ट बाहर से आए हैं। प्रतियोगिताओं में निष्पक्ष रूप से निर्णय के लिए पिछले 2 साल से यहाँ पर जो जज हैं, जो निर्णायकगण हैं, उनको कॉलोनी से बाहर से बुलाया जाता है। वो अपने अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं, चाहे रंगोली के हों, चाहे ड्राइंग के हों, चाहे बच्चों के डांस के हों। तो ये भी एक निश्चित किया जाता है कि किसी के मन में कुछ भी शंका ना रहे। वैसे तो माता रानी के दरबार में गलत करने की कोई हिम्मत नहीं करता है, बट समाज इतना वृहद है, इतना बड़ा है कि उसमें ये सब चीज़ों का भी बहुत विशेष रोल है कि पारदर्शिता बनी रहे। उन सब पारदर्शिता के लिए हमारी पूरी समिति, हम पूरी टीम जो है एक होके लगे रहते हैं। तिरुपति अभिनव होम्स का रानी जो है अन्नपूर्णा है। आप मान के चलिए तिरुपति अभिनव होम्स में आप किसी भी घर में जाके पूछ लीजिए कि क्या इस कॉलोनी के सार्वजनिक आयोजन में अन्न का एक दाना भी फेंक सकता है, तो आदमी बोलेगा नहीं। जब तक राव साहब उस व्यवस्था को संभाल रहे हैं, एक दाना, मतलब मैं अन्न की बात नहीं कर रहा हूँ, एक दाना भी अगर प्रसाद का या भोजन का या भंडारे का वहाँ है, तो आप मान के चलिए आदमी कोई भी व्यक्ति बोल देगा जब तक मोहन राव साहब है उनको पता है कि ये दाना वहाँ जाना है। वेस्ट नहीं होता है, फूड मैनेजमेंट इनका इतना अच्छा, ये भी अन्न की पूजा है, माँ एक अन्न का रूप भी है। कहाँ जाना है, किसको पहुँचना है कॉलोनी के अंदर, वो बिल्कुल वो प्रसाद घर घर पहुँचता है। और हमारे यहाँ आज तक 5 साल में हमने देखा कि राव साहब के मार्गदर्शन में वो अन्न कभी यहाँ पर फिका नहीं, कभी भी अन्न नहीं फिकता है, वो उस जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचता है जिसको उसकी जरूरत है। तो ये राव साहब की खासियत है, पहले पहुँचने की ऊर्जा ऐसी है। आप यहाँ पर भंडारे के अगले दिन आएंगे या किसी कार्यक्रम के अगले दिन आएंगे तो सुबह कोई बोलेगा ही नहीं यहाँ पे 2000 आदमी का आयोजन था। रात के रात में पूरी साफ सफाई हो जाती है, जैसे इंदौर से लोग प्रेरणा रहते हैं। तो राव साहब की ये खासियत है कि रात को अगर 1:30 से 2 भी बज गया और यहाँ पे अव्यवस्थाएं, महाव्यवस्थाएं मतलब भोजन के बाद की पत्तले हैं या
टाट पट्टी बेची है, अगले दिन कोई सुबह आएगा कोई मानेगा अरे यार 2 बजे मतलब 2000 आदमी क्या कर यहाँ पे क्या भोजन करके गया है। उतना राव साहब का जो है ये सहयोग मैनेजमेंट इतना शानदार है, यहाँ पर कुर्सियाँ कहाँ से कैसे लगेंगी कहाँ जमेगी, तो ये बहुत बड़ी सेवा है क्योंकि माता का एक रूप अन्नपूर्णा भी, तो हमारे यहाँ ये भी अन्न बिल्कुल नहीं फिकता है, ये हमारे मोहन राव साहब की जो है बहुत बड़ी खासियत है और ये बहुत विलक्षण प्रतिभा भी है, मतलब कि हम उनसे सीखते हैं सारी चीज़ें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आप हमारे कैंपस में पधारे और आप अपने स्टाफ के सहित पूरे 9 दिन यहाँ आइए, निवेदन है, और माता रानी के जो है जागरण में पूजा में पाठ में गर्भे में आप भी जो है आनंदित होइए। धन्यवाद। हिंदुस्तान के मध्य प्रदेश में छोटा सा हिंदुस्तान बसा हुआ है जो है त्रिपुर अनुभव होम्स में, यहाँ पर तमाम प्रदेशों के लोग निवास करते हैं और बिल्कुल भाईचारा यहाँ देखने को मिलती है। तो आइए इस नवरात्रि पर हम सब परिवार यहाँ त्रिपुर होम में पधारे और गरबा का आनंद ले और भक्ति का आनंद ले और खुशियाँ मनाए। हेडलाइन 24 संतोष की भोपाल।